स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संयुक्त काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। दोनों विभागों में अब तक 4,000 से ज्यादा पदों पर चयनित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल घोषित कर दिया है। उम्मीदवार नवंबर से 14 नवंबर तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और संभागीय स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवार जिलावार और तारीख के अनुसार लिस्ट जारी की गई है। इन लिस्टम में एक ही चयनित अभ्यर्थी के दोबारा दोबारा नाम आ रहे हैं। ऐसे में कई चयनित अभ्यर्थी के नाम ही नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में कुछ महिला अभ्यर्थी तो जहर खाने तक की बात कहने लगी हैं। अब यह सोमवार को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के रंजीत गौरे ने बताया कि प्रदेश भर से चयनित अभ्यर्थी सोमवार को भोपाल आएंगे। हम लोग शिक्षण संचालनालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के रंजीत गौरे ने आरोप लगाए हैं कि पीड़ित बहुत ज्यादा दुखी हैं। कई सदस्यों के फोन आ रहे हैं, जो लिस्ट आई है उसमें पुनः नामों की पुनरावृत्ति की जा रही है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके बीच के नंबर रैंक वालों के नाम आ गए हैं। इस बार भी यह भर्ती पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि दोनों विभागों द्वारा जो चयन सूची जारी की है उनमें उम्मीदवारों के नाम रिपीट हो रहे हैं। कई नाम दोनों विभागों की सूची में है। रंजीत ने आरोप लगाए हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष 24,200 एवं इस वर्ष 13,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बजट भी पारित हो चुका है, परंतु अभी तक नाम मात्र की नियुक्तियां हुई हैं। जबकि 2018 में स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 50% महिला आरक्षण के साथ 62,000 स्थायी शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। बीते 3 साल से सिर्फ इंतजार ही तो कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षक वर्ग 1 और शिक्षक वर्ग 2 के 30,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें वर्ग 1 के 19,200 पद और वर्ग 2 के 11,300 के करीब पद थे। इसके बाद 2,200 पद अलग से बाद में जोड़े गए। इन पदों के लिए पात्रता परीक्षा 2019 में आयोजित की गई। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को आया और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 26 अक्टूबर 2019 को आया। इसके रिजल्ट आने के बाद जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक सभी चयनित शिक्षकों के सत्यापन की भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।